previously. हमें थोड़ा भूख लगा है तो बहुत भूख लग रहा है मोमो या टाइप ये दो घंटे में फ्रेश एयर ले रहा हूँ कॉशिंग का आ मुदाम ही उसे तो फुल उड़ता है वो ये छा वो ये एलिवेटर छा तो नहीं था ना सर इस क्या करते रहे तो आज कोर्सिंग से क्या ले जा रहे तुमको डाउनलोड मैं कुछ टी शर्ट हाँ अरे टी शर्ट और बर्तन नहीं वो डार्जिलिंग में मिल जाए टी शर्ट नहीं मिलता नहीं इधर पे मतलब थोड़ा अच्छा सा प्रिंट वाला वही अच्छा दिखेगा और इधर पे आज हार्ड भी है इसलिए हाँ हार्ड भी है इसलिए पहले हम यहीं पे आते थे ना वो मतलब सब्जी वब्जी करने के लिए हाँ इधर ही हमारा शॉपिंग हाँ जब हम डिप्लोमा करते थे जब हम रेंट पे रहते थे हम तीनों रहते थे और निकेत भी रहता था और गाइज ये देखिए आप यहाँ पे बंदर के मार्केट के ऊपर पे आप व्यू देख रहे हैं लाइक सिक्योरिटी गार्ड सो गाइज ये है कोर्सिंग का रेलवे स्टेशन वेट सो गाइज देखिए यहाँ पे रोड भी इतना मतलब छोटा है रोड भी और जब दो गाड़ी आता है तो ऐसे होता है ब्लॉक मैं खोल ही नहीं पड़ेगा सो गाइज हम अभी ऐसे जा रहे हैं और अभी बहुत थक गए हैं हम लोग और यहाँ सीधा ऊंचा है हाँ ऊंचा है बहुत ये देखिए चढ़ाई रोड आस्ते आस्ते जा रहे हैं बढ़ भी आस्ते नीचे है हाँ यहाँ पे एक स्कूल है वो अभी बैंड बाजा हाँ वो 15 अगस्त के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और ये देखिए पीछे इसी का टावर कितना अच्छा दिख रहा है सो गाइज जब भी इधर पे कोई गाड़ी आता है तो हमें इधर पे घुसना पड़ता है क्योंकि रोड इतना नैरो है इतना छोटा है ये देखिए गाड़ी देखिए आप वन वे है सर हाँ ये देखिए गाड़ी टिट कर रहा है अब देखिए मैं वो इसमें घुसना पड़ेगा यहाँ देखिए कहाँ पे घुसता हूँ इधर पे सो गाइज यहाँ पे रामकृष्ण स्कूल और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे गर्ल्स सो हम भी जब स्कूल पढ़ता था तो बहुत वो मतलब ऐसा ही प्रैक्टिस होता था कंटिन्यू खेलता था तू खेलता था हाँ किस पे था तू एनसीसी या एनसीसी में नहीं था मैं स्कूल के इसमें था स्कूल के मार्च पास्ट बैंड स्कूल का ही बैंड में वो बैंड में बैंड मतलब मार्च पास्ट हाँ हम तो एनसीसी खेला एनसीसी से और 11-12 वो फ्लैग बियर्स मज़ा आया था क्लास 11 में तो बाप रे इतना बारिश हुआ था हमारे टाइम में कालिम्पोंग में और वहाँ पे ये है ना कीचड़ घुस रहा था बाप रे इतना मुश्किल हो रहा था 1 किलो 2 किलो लग रहा था पेड़ी वो जूते का वेट ही हेलो एवरीवन सो अभी हम इसी आ चुके हैं ईगल्स क्रैक और यहाँ पे दिखेंगे थोड़ा सा ही छोटा सा ही पार्क और यहाँ पे जाके थोड़ा घूमेंगे फोटो लेंगे सो गाइस ईगल्स क्रैक में 10 रुपीज़ टिकट पर पर्सन रामले देखा था जी पे अभी कोई भी नहीं है ये देखे यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है पर सो गाइज अगर आप टिकटॉक विकटॉक बनाते हो तो इधर अच्छा है व्यू भी अच्छा है और पार्क भी अच्छा है ये देखे क्या है वो ईगल
यहाँ पर है ये वाटर टैंक और ये वाटर सब कोर्सिंग में सप्लाई होता है और ये देखिए यहाँ पर बापरे यो भाचिन्छ होला है हामीले खेल्यो नि ल त खेल्छस् त हो जा दा म ट्राई गरौँ सो गाइज अब मे जाडा हो ये इसको क्या बोलता है सो गाइज मैं अब स्लाइडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे है एक डियर और ये अभी कुछ नहीं कर रहा है देखिए ये सिर्फ स्टैचू की तरह दे रहा है जाने है ना सो गाइज अभी हम जा रहे हैं ऊपर टावर पे यहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा देखिए हिनी नीनी यहाँ पे सिलगढ़ी देखेगा ये देखिए ये है सिलगढ़ी और यहाँ पे गेट से आया था और ये है पार्क यहाँ पे कोर्सिंग है और यहाँ यहाँ पर दार्जिलिंग का एरिया गाइस ये देखिए व्यू व्यू देखिए आप सो गाइस अभी हम टावर से जा रहे हैं अब जाके नीचे रोड पे जाएंगे सो गाइस हम अब जा रहे हैं इसी से और अब हम जाएंगे नीचे रोड लव रोड पे वहाँ पे व्यू पॉइंट है और वहाँ पे जाके थोड़ा सिलगढ़ी दिखाएंगे आपको कोन वाला कति हो ठुलो पनि गर्नु सक्छ हैन यो चाहिँ यो चाहिँ ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो गाइस यहाँ पे पर्खि पर्खि सो गाइस यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है देखिए ये घड़ी घड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग और ये क्लिफ के उस तरफ है और हम इस तरफ सो गाइज यहाँ पे है जिम करने वाला देखिए आप सुबह सुबह आके यहाँ पे जिम कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छा सा सिलगढ़ी का व्यू भी देखिए और यहाँ पे जिम करते हुए एलिस जिम करते कमन एलिस देखा देते रहे अलग अलग करना हेलो भाई हेलो कैसे हो सब लोग ठीक हो झगड़ा पड़ेगा सो हेलो गाइस अभी हम इसी से आ चुके हैं और हम अभी ये दार्जिलिंग जाएगा और मैं सिलगढ़ी भी जाऊंगा अभी ये देखिए सी एम भी आ चुका है यहाँ पे दार्जिलिंग जा रहे हैं सी एम किधर जा रहे हैं दार्जिलिंग सो अभी मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ गाइज सी यू सून गाइज सी यू सून एलिस